शेफ हो या आम इंसान, मॉम और वाइफ के डिश में से किसी एक को चूज करना नहीं है आसान। लेकिन आज ये चैलेंज लेने आ रहे हैं शेफ रिपुदमन, और चैलेंज में ट्विस्ट ये है कि आज उनकी मॉम को टक्कर देंगी उनकी होने वाली वाइफ शिवांगी। तो आज किसका साथ देंगे रिपु, देखेंगे आज राइवल्स इन लॉ। अंटी जी, शिवांगी जी, शेफ राइवल्स इन लॉ में बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो आंटी जी, आप बताइए, आपके होने वाली बहू हैज नो क्लू अबाउट कुकिंग, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट दैट नाउ? नहीं, मुझे ज्यादा चिंता नहीं है इस बात की। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेंगे, हम धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा सिखा लेंगे। तो दिल से बताइए, आपकी कौन सी फेवरेट डिश आज पेश की जाए? मेरे को थाई खाना बहुत पसंद है, सो ग्रीन थाई करी विद राइस और साथ में एक स्टार्टर हो जाए तो बेटर रहेगा, आई थिंक पनीर साथ है। या साउंड्स गुड टू मी। 1, 2, 3 स्टार्ट। आंटी, उन्हें तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो थोड़ा ना मेरी दुश्मन हो सकती है, पर जब कुकिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा था इनसे बड़ी दुश्मन मेरी कोई है ही नहीं। शिवांगी को कुकिंग में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स उसने कभी नहीं यूज़ किए, उसको तो ABC भी नहीं आती थी कुकिंग की। जब तक यूज़ नहीं करो, प्रैक्टिस नहीं करो, कुकिंग ऐसी चीज़ है तब तक वो नहीं समझ आती ना। इंग्रेडिएंट्स भी मुझे याद नहीं रह रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे। सेम डिश सेम प्लेटिंग। आर यू रेडी? यस शेफ, आई एम रेडी। हाउ डज इट फील? अब हॉट सीट में बैठे हो। नर्वस लग रहा हूँ। नर्वस? पता नहीं कैसा होगा खाना। आंटी जी, हो जाए। And... When I started tasting with the right one, मैंने जैसे ही बाइट ली तो मुझे एक थोड़ा सा फील हुआ कि घर जैसे खाने की फील आ रही। तो what do you think? This one. तो ओवरऑल ये डिश इज बेटर देन दैट डिश। आपने ये डिश चूज की है। अरे, why are you clapping? I'm happy. अच्छा, you're happy. Food is the messenger of love. This is your host Vicky Ratnani. Until we meet again, adios amigos, hasta mañana.